बरसग़ीर इस दुनिया का वो खिता जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। सब अपनी अपनी धुन में मगन ज़िंदगी गुजार रहे थे कि कैलेंडर ने करवट बदली और 1857 का सूरज तलू हुआ। किसे पता था कि क्या होने वाला है। अंग्रेज़ बरसग़ीर पर मुसल्लत हो गए। हिंदुस्तान में फ़ौजी बगावत के बाद जिन्हें सबसे पहले कत्ल किया गया वो इसी फ़ौज के सिपाही थे और जो भाग न सके उन्हें गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया। दर्द की ऐसी दास्तान रकम हुई कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की कहानी भी उसी दौर से शुरू हुई। उस पुरदर्द दौर में सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा। सर सैयद ने अंग्रेज़ों से मुसलमानों को सरकार में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों को तमाम की पोस्ट से महरूम करके हिंदुओं को अहम सीटें दी जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत पीछे रह जाएंगे। तभी सर सैयद ने सोचा कि ये सब तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं। इन हालात में सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और मुसलमानों में शऊर पैदा किया कि तालीम हासिल करो तब आगे बढ़ सकोगे। 28 दिसंबर 1885 को जब एक अंग्रेज़ ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी तो सर सैयद ने बरसग़ीर के मुसलमानों को इस पार्टी में शामिल होने से रोका, क्योंकि कांग्रेस तमाम तबकों के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आ रही थी। इन हालात में सर सैयद ने मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसका मकसद मगरब में होने वाली रिसर्च का उर्दू तर्जमा करके बरसग़ीर के मुसलमानों में तकसीम करना था। बंगाल की तकसीम ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है। इस दौरान वायसराय से बात करने के लिए 35 लोगों पर मुश्तमिल वफ्द शिमला रवाना होता है। मुलाकात का मकसद वायसराय को ये बताना था कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलहदा हक़े इंतखाबात बहुत ज़रूरी हो गया है, और दूसरा मुतालबा ये किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर मुसलमानों के लिए कोटा रखा जाए। मुसलमानों की ये कोशिश कामयाब हुई और वायसराय ने मुसलमानों को एक अलग पार्टी बनाने की मंजूरी दे दी और बिलाखर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम मारज़े वजूद में आया। 1910 की दहाई में मुसलमानों को तकसीम बंगाल का फ़ैसला वापस होने, लखनऊ में कांग्रेस की चालों और सल्तनत उस्मानिया के टूटने जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान मुसलमानों को इनका मसीहा कायदे आज़म के रूप में मिल गया। जिन्ना ने 1913 में इस शर्त पर कि मुसलमान अंग्रेज़ों से मुखलसी ख़त्म कर देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। I pray to God that this critical moment he may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. कायदे आज़म की कोशिशों के सबब मुआहदे लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल बैठने पर तैयार हो गए। कांग्रेस और हिंदू ये बात तस्लीम करने पर आमादा हो गए कि मुसलमान एक अलग कौम है। इसी दौरान जंगे अजीम अव्वल शुरू हो गई और बरसग़ीर के लोग बरतानवी हुकूमत की ज़रूरत बन गए। मुसलमानों ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ ने चाल चलते हुए कहा कि हम सल्तनत उस्मानिया का खात्मा नहीं करेंगे। मगर हुआ इसके बरक्स। 1920 में जंग जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने सल्तनत का खात्मा कर दिया। इन हालात में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कामरेड और हमदर्द ने और मौलाना जफर अली खान के ज़मींदार ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन को बरसग़ीर भेजा जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े। 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने कायदे आज़म को बहुत मायूस किया क्योंकि वो कांग्रेस को मुसलमानों के साथ मुखलिस समझते थे। रिपोर्ट में मुसलमानों को बाकी अकलियतों की तरह एक अकलियत कहा गया और बतौर अक्सरियत हिंदू ही
ताजे बरतानिया को मशवरा देने के जमादार करार पाए। कायदे आज़म मगरबी तर्ज पर इलाकाई कौम परस्ती को आखिरी हल समझते थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के रवैये से बहुत मायूस हुए। 1929 में कायदे आज़म को एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा। लखनऊ में एक मिशन के दौरान उनकी शरीक हयात उन्हें अकेला छोड़कर दारे फानी से कूच कर गईं। 1930 में अलाहाबाद के मुकाम पर अलामा इकबाल ने एक तारीखी खुतबा दिया, जिसे तारीख खुतबा अलाहाबाद के नाम से याद करती है। इस खुतबे का सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमानों के लिए अलग सूबा या रियासत थी, क्योंकि मुसलमान शुरू हुई से एक अलग कौम थे। 1935 के एक्ट के बाद 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा बन गई। घर को आग लग गई घर के चिराग से के मिस्दाक कांग्रेस की पॉलिसियां बरसग़ीर के मुसलमानों को अलग वतन दिलवाने में मददगार साबित हुई। मुसलमानों को इस बात का शिद्दत से एहसास हो चुका था कि मुस्लिम लीग को वोट न देना एक बहुत बड़ी हिमाकत थी। अल्लामा इकबाल की शायरी ने भी जज्बे आज़ादी को एक नई जहत बख्शी। बिलाखिर 1940 में कायदे आज़म ने फैसला कर लिया कि मीनार पाकिस्तान पर करारदादे पाकिस्तान पेश की जाए। कायदे आज़म की तकरीर सुनने के लिए लोग जौक दर जौक मीनार पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। करारदाद में वाज़े तौर पर यह कहा गया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ अलहदा और खुद मुख्तार रियासतें बनेंगी। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar and our entire social fabric and code of life. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of master. 1944 में जिना गांधी मुजाकरात भी किसी नतीजे पर न पहुंच सके। गांधी समझ चुका था कि कायदे आज़म उसकी बात नहीं मानेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 1946 के इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। 1937 के इलेक्शन में बुरी तरह पिटने वाली जमात 1946 में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात के तौर पर उभरी। बच्चे, बूढ़े और जवान कायदे आज़म की ज़ेर क़यादत मुत्तहिद हो चुके थे। तमाम सूबों में मुसलमानों ने अपनी सीटें हासिल कर ली। Religious belief should be fully protected by the state at any cost. लियाकत अली खान ने गरीब आदमी का बजट पेश किया। इसी दौरान कायदे आज़म की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कांग्रेस की चालों के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय लग चुका था। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही नेहरू से मुलाकात की, डिक्टेशन ली और उसके बाद उसने कायदे आज़म से भी मुलाकात की, लेकिन कायदे आज़म ने उसको लाजवाब कर दिया। कायदे आज़म को वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल बनने की पेशकश भी की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि कायदे आज़म मुसलमानों के लिए एक अलग मुमलिकत का फ़ैसला कर चुके थे। नेहरू की लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना से देरीना दोस्ती ने गुरदासपुर, जिस पर मुसलमानों का हक था, इंडिया की झोली में फेंक दिया। गुरदासपुर वो वाहिद रास्ता था जो दिल्ली को
जम्मू से मिलाता था। NWFP, सिंध और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। खराबी तवा के बायस कायदे आज़म पंजाब और बंगाल की तकसीम पर राजी हो गए। बड़े सगीर की तकसीम का वक्त आया तो रेड क्लिफ की ज़ेर सदारत बाउंड्री कमीशन का क़याम वजूद में आया। इस कमीशन ने वो तारीखी बेईमानी की जिसका खामियाजा आने वाली नस्लें आज तक भुगत रही हैं। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था। बड़े सगीर में हर तरफ आग और खून की नदियां बह रही थीं। फसादात अपने उरूज पर थे। कांग्रेस ने मशरकी पंजाब में सिखों और बाकी इलाकों में हिंदुओं को वर्गला कर वो खेल खेला कि बड़े सगीर की गली गली लाशों से भर गए। लोगों ने अपने ख़ानदानों को अपनी आँखों के सामने कटते और अपनी बहु बेटियों की इज्जतों को पामाल होते देखा। 1 करोड़ लोगों ने हिजरत की और 10 लाख के करीब लोग शहीद हुए। लेकिन फिर भी जज्बा एक ही था कि पाकिस्तान हासिल करना है। ऐसे में आज़ादी का सुर्ख सूरज तुलू होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं।